दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से तकनीकी वजहों से हम ऑडियो आर्टिकल नहीं दे पा रहे थे, इसके लिए हमारी टीम आप सब से माफी चाहती है। आज से हम एक बार फिर ऑडियो आर्टिकल की शुरुआत कर रहे हैं और आज का हमारा विषय है केंद्रीय बजट 2018-19। आज का ऑडियो आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख प्रॉमिस एंड डिलीवरी ऑन यूनियन बजट 2018 तथा द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित लेख की हाइलाइट्स फ्रॉम बजट 2018 बोल्ड ऑन विजन शॉर्ट आउटलेज एंड फोकस्ड ऑन पोल्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा हुआ है, तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा आम बजट 2018-19 पेश किया गया। इस बजट को मीडिया के द्वारा रस्सा कशी का बजट कहा गया, यानी टग ऑफ वार। इस बजट में वित्त मंत्री ने लोक लुभावन वायदों तथा राजकोषीय नीतियों के बीच समन्वय साधने की कोशिश की। वर्तमान सरकार द्वारा यह पूर्ण रूप से 5वां बजट पेश किया गया। सरकार के लिए यह बजट चुनावी दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष कई राज्यों में चुनाव होने हैं और अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव होना है। इन्हीं चुनावी तनावों के बीच वित्त मंत्री ने लोक लुभावन वायदों को संतुलित करते हुए आर्थिक विकास के लक्ष्यों को साधने की कोशिश की। इससे पहले कि हम इस चर्चा में आगे बढ़ें, यह समझना जरूरी है कि बजट क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है तथा संविधान में इसका उल्लेख कहाँ किया गया है। दरअसल सरकार द्वारा आगामी वर्ष के आय और व्यय के विवरण को बजट कहते हैं। हालांकि बजट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के बुल्गा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ छोटा थैला होता है। अंग्रेजी भाषा में बजट शब्द 15वीं शताब्दी के आसपास फ्रेंच भाषा के बुगेट शब्द के छोटे रूप बुगे शब्द से आया, जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। गौरतलब है कि भारत में सबसे पहले बजट ब्रिटिश शासनकाल में जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में वायसराय की परिषद में पेश किया गया था। हालांकि भारत को आजाद होने से ठीक पहले का बजट उस समय अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री रहे लियाकत अली के द्वारा पेश किया गया था। इसके बाद आजाद भारत का पहला बजट तत्कालीन वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा 1947 में पेश किया गया। बहरहाल बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार के उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। आइए अब बात करते हैं बजट 2018-19 के खास पहलुओं पर। वित्त मंत्री ने 2018-19 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार विनिर्माण सेवाओं और निर्यात के क्षेत्र में 8% से अधिक की आर्थिक विकास दर प्राप्त करने के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आगामी वर्ष के दौरान भारत की विकास दर 7.4% रहेगी। देश की अर्थव्यवस्था $2.5 trillion के साथ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अगर हम यहाँ परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो यह दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। हालांकि सरकार ने देश के किसानों, गरीब वर्ग के लोगों और समाज के अन्य तबकों के संरचनात्मक बदलाव एवं अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर के लाभ को उन तक पहुंचाने और देश के अल्प विकसित क्षेत्रों के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इस बजट में खास तौर पर कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, आर्थिक दृष्टि से कम सुविधा प्राप्त वर्ग के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने, वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा करने, आधारभूत सुविधाओं का सृजन करने तथा देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्यों के साथ मिलकर कार्य करने पर जोर दिया गया है। अब बात करते हैं कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बजट में क्या खास है। वित्त मंत्री ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की सरकार की वचनबद्धता का उल्लेख करते हुए अनेक नई योजनाओं और उपायों की घोषणा की, जिसमें सरकार ने आगामी खरीफ से अघोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत के कम 1.5 गुना करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि रबी की अधिकांश घोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से 1.5 गुना तय किया जा चुका है। हालांकि सरकार ने वर्ष 2018-19 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण की राशि को 11 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव दिया है।
यद्यपि इस बजट में डेयरी उद्योग की आधारभूत सुविधाओं में वित्त निवेश में सहायता के लिए सूक्ष्म सिंचाई कोष स्थापित करने की योजना है। बजट में मत्स्य क्रांति अवसंरचना विकास कोष तथा पशुपालन के लिए आधारभूत सुविधा विकास कोष स्थापित करने का लक्ष्य है। इन दोनों कोषों की कुल स्थायी निधि 10,000 करोड़ रुपए होगी। मत्स्य पालन तथा पशुपालन करने वाले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था प्रदान की गई है। गौरतलब है कि बजट में ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन्स प्रारंभ करने की बात भी की गई है, जिसमें टमाटर, प्याज और आलू पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए 500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। बजट में 86% से ज्यादा लघु और सीमांत किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों के रूप में विकसित तथा उन्नत करने का लक्ष्य है। हालांकि इस बजट में 22,000 ग्रामीण कृषि बाजारों तथा 585 APMC यानी कृषि उत्पाद बाजार समिति में कृषि बाजार अवसंरचना के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपए की स्थायी निधि से एक कृषि बाजार अवसंरचना कोष को स्थापित किया जाएगा। बहरहाल बजट में बताया गया कि पिछले वर्ष ई-नैम यानी इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार को सुदृढ़ करने और इसे 585 APMC तक पहुंचाने के संबंध में घोषणा की गई थी। इनमें से 470 को ई-नैम नेटवर्क से जोड़ दिया गया है, शेष को 2018 तक जोड़ दिया जाएगा। इस बजट में संगठित कृषि एवं संबद्ध उद्योग को सहायता के प्रयोजन से 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव दिया गया है। दरअसल इस बजट में बांस को हरित सोना कहा गया है। बांस क्षेत्र को पूर्ण रूप से बढ़ावा देने के लिए 1290 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन को शुरू करने की बात की गई है। हालांकि बजट में कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावना को देखते हुए 42 मेगा फूड पार्कों में अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बजट में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकारों के प्रयासों को सहायता देने की एक विशेष योजना की घोषणा भी की गई है। इस बजट में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के ऋण की राशि को पिछले वर्ष के मुकाबले 37% बढ़ा दिया गया है, जो वर्ष 2016-17 में लगभग 42,500 करोड़ रुपए किया गया था। अब 2019 तक यह ऋण राशि बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपए कर दी जाएगी। वर्ष 2018-19 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के लिए 5,750 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि निम्न और मध्य वर्ग के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 8 करोड़ गरीब महिलाओं को LPG कनेक्शन दिए जाएंगे, सौभाग्य योजना के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से 4 करोड़ गरीब परिवारों को बिजली के कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं निम्न और मध्य वर्ग के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 8 करोड़ गरीब महिलाओं को LPG कनेक्शन दिए जाएंगे, सौभाग्य योजना के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से 4 करोड़ गरीब परिवारों को बिजली के कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। 2022 तक सभी को आवास का लक्ष्य पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2019 तक 1 करोड़ से ज्यादा आवासों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान के तहत 6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। गोबर धन योजना के अंतर्गत जानवरों के गोबर तथा ठोस अपशिष्ट को खेतों में कंपोस्ट, उर्वरक, बायोगैस तथा बायो CNG में रूपांतरण और प्रबंधन के लिए ऑर्गेनिक जैव कृषि संसाधन से लाभ उठाया जाएगा। अब बताते हैं आपको कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर क्या प्रावधान हैं। बजट 2018-19 के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर बजटीय व्ययों का अनुमान 2017-18 के 1.22 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 1.38 लाख करोड़ रुपए है। शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2022 तक खेल और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा 50% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति आबादी या 20,000 से ज्यादा आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। सरकार सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना के अनुसार वृद्धों, विधवाओं, बेसहारा बच्चों, दिव्यांगजनों
और वंचित लोगों के प्रत्येक परिवार तक पहुंचने के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में 9975 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2022 तक RISE यानी शिक्षा में आधारभूत सुविधाओं और प्रणालियों को पुनः मजबूत बनाने के लिए अगले 4 सालों में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान है। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के तहत श्रेष्ठ संस्थानों से हर वर्ष 1,000 उत्कृष्ट बीटेक छात्रों की पहचान की जाएगी और उन्हें IIT, IISc में PhD करने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसी क्रम में एक ओर जहां शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए 13,00,000 अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की बात कही गई है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा में ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड की बात भी की गई है, जिसके लिए तकनीकी डिजिटल पोर्टल दीक्षा से मदद मिलेगी। गौरतलब है कि इससे पहले स्वयं पोर्टल लॉन्च किया गया था। वडोदरा में विशिष्ट रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसी क्रम में योजना और वास्तुकला के 2 नए स्कूल स्थापित किए जाएंगे। चूंकि IIT और NIT में 18 नए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर स्थापित किए जाने हैं। बजट में आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को दायरे में लाने के लिए एक फ्लैगशिप राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना को प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार 5,00,000 रुपए प्रति वर्ष कवरेज प्रदान की जाएगी। इसी तरह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की परिकल्पना के अनुसार 1.5 लाख केंद्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को घर घर पहुंचाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि गंगा स्वच्छता के मामले में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 16,713 करोड़ रुपए की लागत से कुल 187 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 47 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 4,465 ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। नेशनल हाउसिंग बैंक में किफायती आवासीय निधि स्थापित की जाएगी। वर्ष 2022 तक सभी निर्धनों के लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ से अधिक मकानों तथा शहरी क्षेत्रों में 37,00,000 मकानों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत 4 करोड़ मकानों को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कुसुम योजना यानी किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के अंतर्गत सरकार किसानों को अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए सब्सिडी देगी। गौरतलब है कि बजट में ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन जीने की सरलता की बात भी कही गई है। इसके अंतर्गत नागरिकों की सहूलियतें बढ़ेंगी, जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना, LPG कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं, ऑनलाइन सरकारी सेवा तथा दस्तावेजों की स्वप्रामाणिकता इत्यादि को लाया गया है। अब बात करते हैं सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम एवं रोजगार के बारे में। सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बजट में 3794 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। अप्रैल 2015 में मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसके तहत 10.38 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए। इनमें से 76% ऋण खाते महिलाओं के, जबकि 50% से ज्यादा खाते अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के हैं। वर्ष 2018-19 के लिए मुद्रा योजना के अंतर्गत 3,00,000 करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा गया है। रोजगार सृजन की प्राथमिकता सरकार की नीतियों में प्रमुख रूप से शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 70,00,000 औपचारिक रोजगारों का सृजन किया जाएगा। पिछले 3 वर्षों के दौरान रोजगार सृजन की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार अगले 3 वर्षों में सभी क्षेत्रों के लिए EPF में नए कर्मचारियों के वेतन का 12% का योगदान करेगी। महिला कर्मचारियों के वेतन से प्रथम 3 वर्षों तक 8% EPF कटेगा तथा सरकार अपना पूरा योगदान देती रहेगी। वर्ष 2018-19 में टेक्सटाइल क्षेत्र में 7148 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। आइए अब देखते हैं कि आधारभूत ढांचे और वित्तीय क्षेत्र विकास पर बजट में क्या प्रावधान हैं। बजट में आधारभूत ढांचे के विकास को अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार मानते हुए अनुमान लगाया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि और समूचे देश को एक नेटवर्क में जोड़ने के लिए 50,00,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है।
2018-19 में आधारभूत ढांचे पर 5.97 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रगति निगरानी सिस्टम के जरिए आधारभूत क्षेत्र में उपलब्धियों की समीक्षा की गई है। इसके तहत 9.46 लाख करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की जा चुकी है। इसी क्रम में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत करीब 35,000 किलोमीटर सड़क के निर्माण को फर्स्ट फेज में अनुमति दी जा चुकी है और इसकी अनुमानित लागत 5.35 लाख करोड़ रुपए है। गौरतलब है कि आधारभूत ढांचे के अंतर्गत सेला दर्रे के नीचे सुरंग का निर्माण करना भी शामिल है। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अब बात करते हैं कि बजट में रेलवे के लिए क्या प्रावधान है। बजट 2018-19 में रेलवे का पूंजीगत व्यय 1,48,528 करोड़ रुपए है। रेलवे में क्षमता सृजन के लिए मीटर गेज की लाइन को ब्रॉड गेज में बदला जाएगा। रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण के लिए 4,000 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे की सुरक्षा नीति में ट्रैक अवसंरचना के अनुरक्षण तथा 3600 किलोमीटर के ट्रैक का नवीनीकरण किया जाएगा। जिन स्टेशनों पर 25,000 से ज्यादा संख्या में यात्री आते हैं वहां एस्केलेटर्स लगाए जाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी स्टेशनों और ट्रेनों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इस बजट में रेलवे की सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है, जिसमें कोहरे से सुरक्षा तथा रेलवे की चेतावनी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। 600 मुख्य रेलवे स्टेशनों का पुनः विकास किया जाएगा। मुंबई लोकल ट्रेन नेटवर्क के 90 किलोमीटर लाइन को डबल लाइन में बदला जाएगा। इसके अतिरिक्त बेंगलुरु उपनगरीय क्षेत्र में 160 किलोमीटर रेलवे का विकास किया जाएगा। अब हवाई परिवहन के लिए बजट में प्रावधानों पर चर्चा करते हैं। सरकार ने एक नई पहल नव निर्माण के अंतर्गत 1 बिलियन हवाई यात्रा को कवर करने के लिए हवाई अड्डों की क्षमता में 5 गुना विस्तार करने का प्रस्ताव बजट में दिया है। इसके अलावा सरकार ने पिछले वर्ष प्रारंभ की गई उड़ान नाम की क्षेत्रीय योजनाओं के अंतर्गत 56 हवाई अड्डों और 31 हेलीपैड्स को फिर से जोड़ा है, जिनमें अभी सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं। अब बजट में फाइनेंस और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर प्रावधानों को देखते हैं। बॉन्ड बाजार में फंड के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए वित्त मंत्री ने नियामकों से निवेश वैधता के लिए AA रेटिंग से A रेटिंग की ओर बढ़ने की अपील की। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र में सभी वित्तीय सेवाओं को नियमित करने के लिए एकीकृत प्राधिकरण की स्थापना करेगी। नीति आयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल उत्पादन, डाटा विश्लेषण और इंटरनेट ऑफ थिंग्स कार्यक्रम के लिए एक मिशन की शुरुआत करेगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए बजट 2018-19 में आवंटित धनराशि को दोगुना करके 307 करोड़ रुपये कर दिया गया है। भारत नेट योजना के अंतर्गत 1 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। सरकार 5 करोड़ ग्रामीणों को नेट कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए 5 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट का निर्माण करेगी। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब बताते हैं आपको बजट में विनिवेश और वित्तीय प्रबंधन की स्थिति। बजट 2017-18 के लिए विनिवेश का लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र की 3 बीमा कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का विलय करके 1 बीमा कंपनी बनाई जाएगी। सोने की परिसंपत्ति मूल्य में वृद्धि करने के लिए सरकार एक समेकित स्वर्ण नीति का निर्माण करेगी। बजट में राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर 5 लाख रुपये, उपराष्ट्रपति का 4 लाख और राज्यपाल का 3.5 लाख रुपये प्रति महीने करने का प्रस्ताव किया गया है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने 2018-19 के लिए बजट घाटे को GDP का 3.3% रहने का अनुमान व्यक्त किया। संशोधित वित्तीय घाटे का अनुमान वर्ष 2017-18 के लिए 5.95 लाख करोड़ रुपए का है, जो GDP का 3.5% है। गौरतलब है कि केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क यानी CBEC का नाम बदलकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड किया जाएगा। आयकर की पुरानी कर निर्धारण प्रक्रिया को बदलकर देश भर में ई निर्धारण प्रणाली को लागू किया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने के लिए सीमा शुल्क में बदलाव का प्रस्ताव है। मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए मोबाइल फोन और TV के कल पुर्जों पर सीमा शुल्क में वृद्धि की गई है। प्रत्यक्ष करों में वेतनभोगी वर्ग के लिए 40,000 रुपये तक की मानक कटौती पुनः लाई गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा राशियों पर ब्याज की छूट को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम में कटौती 30,000 रुपये से बढ़ाकर
50,000 रुपये कर दी गई है। गंभीर बीमारी में 1,00,000 रुपये तक की छूट प्रदान की जाएगी। अप्रत्यक्ष कराधान के तहत सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत स्वनिर्धारण सत्यापन के लिए जोखिम आधारित चयन प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। इसमें अपीलीय तंत्र की सुविधा के साथ नए सीमा शुल्क, अग्रिम नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति इत्यादि शामिल हैं। अब बात करते हैं दीर्घावधिक पूंजी लाभ की। वर्ष 2017-18 के लिए सूचीबद्ध शेयरों एवं यूनिटों से छूट प्राप्त पूंजी लाभ की राशि लगभग 3,67,000 करोड़ रुपये है। 1,00,000 रुपये से अधिक के दीर्घावधिक पूंजी लाभों पर 10% की दर से कर लगाया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों तथा ग्रामीण परिवारों की शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरतों के लिए बजट में व्यक्तिगत आयकर तथा निगम कर पर 4% उपकर की व्यवस्था की गई है। नए उपकर को स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर के नाम से जाना जाएगा। अप्रत्यक्ष कर के संदर्भ में वस्तु और सेवा कर लागू होने के पश्चात यह पहला बजट है। बजट के प्रावधान सीमा शुल्क के संबंध में हैं। सीमा शुल्क में बदलाव से देश में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा तथा खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहनों का पुर्जा निर्माण, जूते तथा फर्नीचर जैसे क्षेत्रों में मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क को 15% से बढ़ाकर 20% तथा मोबाइल व टीवी के कल पुर्जों के लिए सीमा शुल्क को बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। हालांकि आयातित वस्तुओं पर लगने वाले शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके स्थान पर आयातित वस्तुओं पर 10% की दर से एक सामाजिक कल्याण अधिशेष लगाया जाएगा। जिन आयातित वस्तुओं को शिक्षा उपकर से छूट मिली हुई है वो जारी रहेगी। अब अंत में बात करते हैं कि बजट 2018-19 के अनुसार सरकार के पास कहां से पैसे आएंगे तथा कहां खर्च होंगे। सरकार बजट में अपने आय और व्यय को 100 पैसे मानकर अनुमान लगाती है, जिसमें यह तय किया जाता है कि सरकार के पास कहां से कितना पैसा आएगा और कहां कितना पैसा खर्च होगा। बजट 2018-19 में वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार के पास क्रमशः माल एवं सेवा कर और अन्य कर, निगम कर तथा उधार एवं अन्य देयताओं के रूप में 23, 19 तथा 19 पैसा आने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि सबसे कम 3 पैसा ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों से आने का अनुमान है। इसी प्रकार अगर हम पैसों के खर्च होने की बात करें तो सबसे अधिक पैसा क्रमशः करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, ब्याज अदायगी, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, रक्षा तथा आर्थिक सहायता के रूप में 24, 18, 9, 9 तथा 9 पैसा खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। सबसे कम 5 पैसा पेंशन के रूप में खर्च होने का अनुमान है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, सरकार बजट 2018-19 में एक ओर जहां कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे कार्यक्रमों पर निवेश करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजकोषीय घाटे को कम करने का प्रयास भी कर रही है। सरकार द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए उपायों को विश्लेषित कीजिए।